समाज की बनाई गई परंपरा, उनकी मान्यता, इनकी सोच को बदलती हुई एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा नजर आई। भाई सबका ये कहना था कि आखिर लड़की कैसे शादी में बड़ी हो सकती है, लेकिन इन सभी को पीछे छोड़ते हुए बॉलीवुड की भी परंपरा को उन्होंने बदल दिया है और अपने से 10 साल छोटे निक जोनस के साथ शादी कर आज वो बेहद ही खुश है। लेकिन बता दें कि जहां प्रियंका चोपड़ा इस लिस्ट में आती है, यानी कि इस रीति रिवाज को बदलने में आती है, तो ऐसे ही बॉलीवुड की और भी चर्चित अदाकार आ रही हैं। लेकिन आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि भाई इन परंपराओं को सामने रखने वाले वो एक्टर्स हैं जो ऐसी सोच रखते हैं और सभी की सोच को यहाँ बना देते हैं। उनकी बात करेंगे जिन्होंने अपने से बहुत ही कम उम्र की लड़कियों के साथ शादी की है। इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं शाहिद कपूर की। वही अगर प्रियंका का नाम लिया जा रहा है तो ऐसे में शाहिद का नाम तो याद आएगा ही आएगा। उन्होंने कितना जाने बॉलीवुड की कितनी ही एक्ट्रेसेस को किया है डेट और अपने इस लव अफेयर्स में वो खुश भी रहे हैं, मगर देखिए कि उन्हें अपनी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी मिल गई मीरा राजपूत से। इन दोनों की शादी एक अरेंज मैरिज है, मगर बता दें कि इनकी शादी में सबसे बड़ी दिक्कत जहां आई थी, कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की थी, तो वो थी इनकी दोनों की उम्र, जिसमें 14 साल का फर्क है। अब ऐसे में दूसरे स्टार की बात करते हैं, वो है सैफ अली खान और करीना कपूर खान। इनका किस्सा तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। इन दोनों की एज में 10 साल का फर्क है, लेकिन इसी के साथ इस किस्से की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि जब सैफ ने अपनी पहली शादी की थी अमृता सिंह से, तो उस वक्त उस शादी में मौजूद थी करीना कपूर खान भी, जहां करीना ने सैफ को अंकल कहकर बुलाया था। लेकिन वक्त बदल गया और इन दोनों के रिश्ते भी बदल गए और एक दूसरे से प्यार करते हुए आज बेटे तैमूर के साथ ये बेहद ही खुश है। इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे एक्टर रितेश और एक्ट्रेस जेनिलिया की। भाई इन दोनों की शादी बहुत सालों पहले ही हो गई थी और देखा जाए तो उन्होंने लगभग 9-10 साल तक एक दूसरे को डेट भी किया था और इनकी डेटिंग के वक्त ये खबरें उड़ रही थी कि इन दोनों की एज में है 9 साल का फर्क, तो क्या ऐसे में ये दोनों शादी कर भी पाएंगे, रिश्ते को निभा भी पाएंगे या फिर नहीं। मगर देखिए इन दोनों ने शादी कर भी ली और आज दो बच्चों के माता पिता है और अपनी जिंदगी में बेहद खुश है। ऐसे ही इस लिस्ट में नाम सामने आता है एक्टर आमिर खान का भी, जिनकी दो शादियां हुई है और उनकी दूसरी पत्नी उनसे उम्र में 9 साल छोटी है। इन दोनों की मुलाकात फिल्म लगान के वक्त ही हो गई, तो देखिए कितना लंबा रिश्ता इन दोनों ने निभाया और ऐसे में इस रिश्ते में ये दोनों अपने बेटे के साथ काफी ज्यादा खुश भी है। मगर भाई एज डिफरेंस तो एक ऐसा है जो हर किसी को हैरान कर देता है और वो है कबीर बेदी और प्रवीण धौसांझ का। इन दोनों की एज डिफरेंस पे अगर बात की जाए तो वो पूरे 30 साल की है। लेकिन दिलचस्प बात तो यहाँ पर ये है कि कबीर बेदी की जो पहली बेटी है पूजा बेदी, वो अपनी तीसरी माँ की उम्र में भी काफी ज्यादा बड़ी है, यानी कि पूजा बेदी की उम्र बड़ी और कबीर बेदी की तीसरी पत्नी की एज छोटी है। अब इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं भाई इतनी सारी गर्लफ्रेंड के लिस्ट रखने वाले संजू बाबा की, यानी कि संजय दत्त की। बता दें कि संजय दत्त की भी 3 शादियां हुई हैं। वो अपनी सभी शादी में काफी ज्यादा खुश रहे, लेकिन लंबी शादी उनकी चल पाई है अभी तक मान्यता के साथ। ये एक लव मैरिज थी, मान्यता को देखते ही कर लिया था संजय ने पसंद, मगर भाई इनकी एज में भी है काफी ज्यादा डिफरेंस और वो है पूरे 20 साल का। और इसी के साथ ये कॉन्ट्रोवर्सी में अपनी शादी के वक्त खूब छाए रहे थे, मगर भाई देखिए दो बच्चों के साथ आज ये काफी ज्यादा खुश हैं। लेकिन भाई इसी के साथ एक और नाम आता है और वो है सुपर मॉडल मिलन सोमन, जो कि हाल ही में शादी करते हुए सामने आए हैं एक बार फिर से और उन्होंने शादी की है अपनी उम्र से 26 साल छोटी एक लड़की से जिनका नाम अंकिता है। और ये जोड़ी काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में छाई रही अपनी शादी के कारण। ऐसे ही इस लिस्ट को और भी आगे बढ़ाते हैं और एक और एक्टर का नाम लेते हैं। जी हाँ ये लिस्ट खूब लंबी है और इस लिस्ट में अब नाम सामने आता है एक्टर कमल हसन का, जिन्होंने 2 शादियां की। उनकी दूसरी शादी हुई सारिका से, सारिका के बच्चे के वो पिता बनने वाले थे, लेकिन बच्चे के जन्म के लगभग 2 साल बाद जाकर इन दोनों ने एक दूसरे से शादी की थी। इनके भी एज डिफरेंस पर अगर आए तो वो 6 साल का है, मगर इन 6 साल के डिफरेंस के बावजूद ये दोनों जहां खुश रहना चाहते थे, लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी में घिर गए थे क्योंकि 6 साल का फर्क जरूर था लेकिन दूसरी शादी थी कमल हसन की और ऐसे में पहले से ही सारिका प्रेग्नेंट थी, तो ये खूब कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे थे। ऐसे में यहाँ सिर्फ ये यंग स्टार्स ही नहीं और कुछ जाने माने स्टार्स ही नहीं, इनमें सुपर डुपर ब्लॉक स्टार
स्टार्स भी आते हैं, यानी कि वो स्टार जो जुबली करते हुए नजर आए हैं अक्सर ही बॉक्स ऑफिस पर, यानी कि एक्टर राजेश खन्ना जो आज हमारे बीच इस दुनिया में नहीं रहे मगर उन्होंने अपनी लव लाइफ खूब मजे के साथ जी है। बता दें कि उन्होंने शादी की थी अपने से उम्र से 16 साल छोटी डिंपल कपाड़िया से। डिंपल कपाड़िया ने राजेश खन्ना से तब प्यार कर लिया था जब उनकी पहली फिल्म आई थी बॉबी, और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी, लेकिन अपने करियर को दांव पर लगाते हुए डिंपल ने राजेश से शादी कर ली क्योंकि राजेश तो डिंपल को छोड़ना चाहते ही नहीं थे। लेकिन इनकी लव लाइफ ज्यादा लंबे वक्त तक टिक नहीं पाई और डिंपल ने राजेश से अलग होकर अपने करियर को आगे बढ़ाया और यहाँ कभी डिवोर्स हो नहीं पाया और मरते दम तक डिंपल देती रही राजेश खन्ना का साथ। ऐसे में अब आखिरी नाम आता है एक्टर दिलीप कुमार जिनकी उम्र आज 96 हो चुकी है और उनकी पत्नी सायरा बानो। इनकी एज में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है और वो है 26 साल का। जब इन दोनों की शादी हुई थी तो हर कोई हैरान हो गया कि भाई आखिर ये क्या चक्कर है, इतना लंबा फासला है और आखिर क्यों ये दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। सायरा ने उस वक्त कह दिया था कि प्यार उम्र नहीं देखता और ना ही मैं उम्र देख रही हूँ, मुझे दिलीप कुमार से प्यार है और मैं मरते दम तक ये प्यार करती रहूंगी, उनका साथ देती रहूंगी। और देखिए आज दिलीप कुमार की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहती है, उनको अक्सर ही हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं और सायरा हमेशा उनके साथ रहती है। तो दोस्तों ये थी वो लिस्ट जिसमें हमने आपको बताया कि आखिर कौन से ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने एज का बिल्कुल भी ध्यान ना रखते हुए अपनी उम्र से काफी छोटी लड़कियों के साथ एक्ट्रेसेस के साथ शादी की और एक परंपरा को बना दिया बॉलीवुड इंडस्ट्री में। लेकिन हाँ, प्रियंका से तोड़ती हुई जरूर दिखाई दे गई। वेल, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ना बिल्कुल ना जाएं।